Hi, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time since I have made any kind of sit-down videos. So here I am with a sit-down videos. Basically, I shoot outdoor videos like street shopping, street food, and sometimes I blog what's going on in my life. So, hi, my name is Anjali Shreya, and you got the brief idea about the videos from thumbnail, right? So, in this video, we will learn what things we should know before starting our YouTube channel. Like, if we are planning to start our YouTube channel, the first thing you should know, you have that clear thought that which content you will put on your YouTube channel. Like, if you will ask me, I was also like, even I don't know which kind of content I will put on my YouTube channel. Generally, sometimes I ask my friend, I just wanted to start my YouTube channel, but I don't know what kind of videos I will make that I'm not clear about. Then they ask me, if you are not clear about your content, then why you are planning to start your YouTube channel? So I said, okay, it's fine. Okay, I will put cooking videos, workout videos maybe, because in that I'm expert, I guess. So I thought, okay, I will put cooking videos and workout videos. So I started my YouTube channel. Well, the first thing that we will learn is that first we will create YouTube channel. So let's see how to create YouTube channel. सबसे पहले हम YouTube खोलेंगे। YouTube खोलने के बाद ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आप उसको एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करने के बाद ऐड अकाउंट में जाना। ऐड अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेल्फ क्रिएट करना है, खुद के लिए करना है, तो सेल्फ करना, उसके बाद अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अपना मेंशन कर देना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको नीचे जेंडर चूज करना आएगा, जेंडर चूज कर लेना। जेंडर चूज करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे ईमेल आईडी के। आप अपने हिसाब से ईमेल आईडी भी दे सकते हो और यहाँ पे ऑप्शंस भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड आप अपना कर देना। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आएगा, यस आई एम इन करके कर देना। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देना और कुछ टर्म एंड कंडीशन है उसको एग्री कर देना। उसके बाद आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। कितना सिंपल है ना चैनल क्रिएट करना, इट्स सो सिंपल। देखो चैनल क्रिएट हो गया हमारा। नाउ वी आर डन विद द क्रिएशन पार्ट, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ टू शूट योर वीडियोस। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज दैट ओपन योर कैमरा। ओके, लेट्स मेक इट क्लियर वन थिंग फर्स्ट, डोंट थिंक अबाउट ट्राइपॉड राइट नाउ। Just forget about tripod or anything else. What you need to do is that open your camera of your mobile phone and put anywhere, wherever you want to put, just put it. And before open your camera, just get ready first. And then let's make one habit. Start speaking in front of the camera at least for half an hour daily. Let me show you how I used to speak in front of camera when I was not confident. मैं generally daily half an hour daily बोलती थी और try करती थी कि अगर आपके पास script, अगर आपको किसी topic के बारे में बोलना है तो कोई बात नहीं, आप किसी topic को note कर लेना, उसके बाद थोड़ा बहुत idea grab कर लेना कि ये मैं बोल सकती हूँ camera के आगे, prepare कर लेना अच्छा से, like a speech आप बोल सकते हो, it's fine। उसके बाद आप camera के आगे उसको देख के भी आप बोल सकते हो या फिर उसको बिना देखे भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस पे, और आप इसको डेली हैबिट बना लो। नाउ क्विकली जंप इनटू द एडिटिंग पार्ट। द थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट एडिटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल प्रोसेस ऑफ अपलोडिंग ए वीडियो। फॉर एडिटिंग यू नीड सम टाइम, यू नीड कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड मेनी मोर। सो लेट्स क्विकली jump into the editing। वैसे तो आपको बहुत सारे टूल मिल जाएंगे एडिटिंग के। मैं फिल्मोरा 9 यूज करती हूँ, तो फिल्मोरा 9
आप भी यूज़ करना चाहते हो तो मैं आपको अच्छे से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वैसे मैंने दो फोल्डर दो वीडियो सेलेक्ट किए हैं, आप कोई भी वीडियोस अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये एक डेमो एडिटिंग है जिसमें कि मैं आपको सब कुछ कवर करूँगी, जैसे कि यहाँ तक वीडियो मुझे लग रहा है कि कट करनी चाहिए तो मैंने CTRL+V किया है, और मुझे और आगे तक कट करना है तो मैं CTRL+X करूँगी। CTRL+X करने के बाद ये कट हो जाएगी। उसके बाद आप अनवांटेड चीज़ को आप आराम से कट कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो में ट्रांजिशन बताती हूँ मैं, जब दो वीडियो के बीच में ऐसा कुछ होगा आपको डिफरेंस दिखेगा, तो ये ट्रांजिशन को आप छोटा भी कर सकते हो। उसको बस यहाँ पे रख के कर्सर को इनके साइड क्लिक करना, वो अपने आप हो जाएगा ट्रांजिशन। आपको वैरायटीज़ ऑफ ट्रांजिशन मिल जाएंगे, आप एक्सप्लोर करना जितने ट्रांजिशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि इससे वीडियो ना बहुत अच्छा दिखता है। उसके बाद अगर आपको बॉर्डर सेट करना है तो बॉर्डर सेट करने के लिए आप इफेक्ट्स में जाना। इफेक्ट्स में सेट करने के बाद आप मन चाह अपना कोई भी कर सकते हो बॉर्डर जो आपको अच्छा लगे तो। और मैंने आपको ये भी बताया कि इफ़ेक्ट्स को जो हमारा ओवरले इफेक्ट्स है उसको कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो मैंने आपको उस पर डबल क्लिक करोगे वो हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट पे जाना, आप टाइटल्स पे जाना, टाइटल्स पे आपको वैराइटीज़ ऑफ टेक्स्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे आप एज लिख देना। उसके बाद यहाँ पे हम फॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे रोटेट करना चाहते हो कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हो, बहुत जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। उसके बाद यहाँ से एज यूजुअल कट, और ये वीडियो को मुझे म्यूट करना है तो मैंने इस पर राइट क्लिक करके म्यूट किया। उसके बाद मुझे इस पर कुछ म्यूज़िक डालना है तो आप ऑडियो में जाना और वहाँ पे म्यूज़िक सेलेक्ट करना। म्यूज़िक भी आपको वैराइटीज़ ऑफ म्यूज़िक मिल जाएंगे, कुछ कस्टमाइज म्यूज़िक भी आप अपने से कर सकते हो, डाउनलोड करके वो भी कर सकते हो। मुझे यहाँ से फिर करना है वही CTRL+V करूँगी और CTRL+X, ये सबसे बेस्ट है अनवांटेड चीज़ को हटाने के लिए। उसके बाद आप देख लो कुछ वीडियो ऐसा है अभी तक। उसके बाद मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ा सा एलिमेंट भी है मैं आपको दिखाती हूँ। एलिमेंट में आपको चॉइस आपकी, आप एलिमेंट कुछ भी यूज़ करो। अगर आपको कुछ करना है तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा जैसे मैंने किया है, आप देखो ट्रांसफॉर्म में जाके। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद मैं आपको एक स्प्लिट स्क्रीन के बारे में बता देती हूँ, जो बहुत लोग होते हैं जो दो वीडियो को एक साथ यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट जाके आप स्प्लिट स्क्रीन पे जाना, वहाँ पे ड्रैग करना वीडियो को, और वहाँ पे आप वीडियो को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जैसे आपको अगर जूम करना है तो जूम कर सकते हो, उस पर प्लस साइन, आपको माइनस साइन दिख रहा है वहाँ पे जूम करना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको म्यूट भी करना चाहते हो, वहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है वॉल्यूम का, उसको म्यूट कर देना। उसके बाद अगर आप टाइटल भी यूज़ करना चाहते हो तो एज इट इज़ टाइटल में जाना, वहाँ से कॉपी करना कोई भी टाइटल चॉइस आपकी, और वहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर देना। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं इंट्रो अपने वीडियो में जनरली शूट करती हूँ, तो आप यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे इंट्रो सर्च करना, इंट्रो लाइक इंट्रो टेम्पलेट एनीथिंग आप सर्च करना, उस इंट्रो टेम्पलेट जो भी आपको अच्छा लगे उसको खोलना, उसका लिंक कॉपी करना, जो ऊपर में लिंक है मैंने कॉपी किया। उसके बाद आप यूट्यूब डाउनलोडर में जाना, यूट्यूब डाउनलोडर में जाने के बाद आप उसकी कॉपी को लिंक को पेस्ट कर देना। उसके बाद वहाँ से डाउनलोड करना, जैसे कि डाउनलोड हो गया तो फिर मैं मीडिया में जाके डाउनलोड में जाकर उसको डाउनलोड करूँगी। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आप अपना कस्टमाइज टाइटल या कस्टमाइज कुछ भी कैसे अपना टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपने हिसाब से, आपको अपना चैनल का नाम लिखना है तो उसके हिसाब से आप कट कर लेना। कट करने के बाद आप टाइटल में जाना, उसके बाद आपको वहाँ पे आपको ओपन टेक्स्ट हियर करके यहाँ पे आपको मिलेगा, जहाँ पे आप खुद का टेक्स्ट लिख सकते हो, योर टाइटल हियर। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना, टेक्स्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना, जैसे भी यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद ट्रांसफॉर्म के नीचे जो कंपोजिशन है उसके बाद वहाँ पे जाना, उस पर उसके डबल क्लिक करना, टेक्स्ट पे मत करना, उसके बैकग्राउंड पे डबल क्लिक करना, वहाँ पे आप उसको कम करो ये कंपोजिशन को, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इंट्रो सेट करना चाहते हो तो, सेम लाइक आप अपना मतलब लास्ट में वीडियो के भी ऐड कर सकते हो, सेम लाइक मैंने आपको बता दिया कि अपना टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट है फिर उसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको इस वीडियो को अपने मोबाइल में ले लूँगी, क्योंकि मैं आपको मोबाइल में अपलोड करके शो करूँगी कि कैसे मोबाइल से अपलोड करते हैं वीडियो। एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद मैं इसको अपने मोबाइल में ले रही हूँ ये वीडियो। We are done with the editing part. Now we quickly jump into the uploading part video, like how to upload a video.
And please don't forget to let me know in the comment section below, like if this video is helpful for you or not. And please let me know. And let's quickly jump into the uploading part. अपलोडिंग पार्ट बहुत ही ईजी है. यूट्यूब खोलना, वहाँ से आप उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अपलोड वीडियो, क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा. उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करके आप अपलोड कर देना. उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से टाइटल जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो. ये एक डेमो वीडियो है. और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो वीडियो के अबाउट, आपके वीडियो किस बारे में है, किस बारे में नहीं है. फिर अपलोड करने के बाद नॉट फॉरगेट कर देना, उसके बाद अपलोड कर देना. अपलोड हो जाने के बाद आप जब अपलोड हो जाएगा तो आप YouTube स्टूडियो में जाना. YouTube स्टूडियो में जाने के बाद वहाँ पे आप वीडियो को क्लिक करना. वहाँ से आप अपलोड होने के बाद भी थंबनेल चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज थंबनेल भी लगा सकते हो. उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो, टाइटल भी चेंज कर सकते हो. बहुत That's it for today. Well, I enjoyed a lot while making this video. You guys let me know in the comment section below. Or if you face any issue still, you wanted to know something about YouTube or some information, please ping me on the Instagram. I will reply there, and the link is given in the description box. Till then, bye. See you in the next video.